बीते दिनों टीवी चैनल के शो में भाजपा से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान का चित्रकूट के साधु समाज द्वारा समर्थन करते हुए नुपुर शर्मा का पूरी तरह से सहयोग और समर्थन करने का फैसला लिया गया है। और आपको बता दें, चित्रकूट स्थित विरकत संत मंडल के सैकड़ों साधु संतों द्वारा भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा टीवी डिबेट में दिए गए बयान का पूर्ण समर्थन करते हुए नुपुर शर्मा का पूरी तरह से सहयोग और समर्थन करने का ऐलान किया है। सनकादिक जी महाराज द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया है कि नुपुर शर्मा द्वारा जो कहा गया है वह कम कहा गया है। नुपुर शर्मा को पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कामतगिरी प्रदक्षिणा के प्रमुख द्वार मंदिर के संचालक संत मदन गोपाल दास ने नुपुर शर्मा के बयान का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग इस समय देश की सड़कों पर उतरकर अराजकता फैला रहे हैं, उन्हें हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर देश का हिंदू समाज सड़कों पर उतर गया फिर उन्हें बहुत परेशानी होगी। मदन गोपाल दास ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए बैठकों का क्रम शुरू हो गया है। हिंदू समाज द्वारा उन सभी धार्मिक स्थलों को वापस लेने का काम किया जाएगा जिन्हें जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। शर्मा ने जो कहा उचित कहा, एक ही थोड़ा कम कहा, उसको सारा पूरा ही चिट्ठा खोलना चाहिए। राम जी की चचे चित्रकूट साधु समाज वृक्ष मंडल उसका समर्थन करता है। राम जी की चचे भारत राम जी की चचे साधु समाज उसका समर्थन करता है। और समर्थन में जहाँ जैसी आवश्यकता होगी ऐसा सब कुछ किया जाएगा। और बात अभी ये यहाँ विश्वनाथ और राम जी की चचे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से खत्म नहीं होगी। जहाँ जहाँ जो भी मंदिरों को राम जी क्षतिग्रस्त करके मस्जिदें बनाई गई हैं उन सारी राम जी मस्जिदों को हटा के वहाँ पुनः मंदिर स्थापित होंगे। ये जय सीताराम धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। जय सीताराम जो थे मुस्लिम, राम जो थे राम जी से राष्ट्रभक्त नहीं थे, वो सारे के सारे उस समय राम जी से पाकिस्तान में चले गए। जो यहाँ रहे वो भारत के प्रेमी थे इसलिए वो यहाँ रहे। राम जी अब रहे हैं मगर उनको भारत माता की जय और गौ माता की जय बोलना पड़ेगा। यदि नहीं वो बोलता है तो जय सीताराम 47 से पहले ही धर्म के आधार पर फैसला हो चुका है, वो अभी भी कायम है राम जी की जय से। इसलिए ये लड़ाई यहाँ शांत नहीं होगी। केवल विश्वनाथ जी नहीं और मथुरा नहीं, जहाँ जहाँ भी हमारे अवशेष हैं उन सबको वापस। नुपुर शर्मा जी ने जो भी कहा है वो जो लिखा था वही कहा है और ठीक ही कहा है। इसमें संपूर्ण चित्रकूट विरक्त संत मंडल साधु समाज और अखिल भारतीय साधु समाज सारे साधु समर्थन में, और जो मुस्लिम समुदाय जो उन्माद फैला रहा है जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब हमारा हिंदू समाज निकलेगा तो फिर कहीं ना कहीं मुँह की खानी पड़ेगी। और हमारे जहाँ जहाँ पर धर्म तीर्थ बने हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मठ मंदिर बने थे वहाँ पर उन्होंने मस्जिदें स्थापित की हैं, मुख्य कारण तो वही है। तो जैसे काशी विश्वनाथ है, मथुरा है और राम मंदिर बन ही रहा है वहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे अवशेष हैं वहाँ वहाँ पर हम जाकर के सारे साधु संत लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सारे हिंदू एक होंगे, एक मंच पर लाएंगे। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, हम सारे लोग निकलेंगे तो उसके लिए बड़ा विशाल आंदोलन होगा, हम लोग अपनी विरासत को वापस लेंगे।